भैया एशिया कप के साथ साथ आईपीएल की भी खबरें जान लिया करो यार, आईपीएल की भी लगातार जानकारियां मैं आप लोगों को देता हूं, वो भी देख लिया करो। कभी ऐसा ना हो कि एशिया कप के चक्कर में आप आईपीएल को भूल जाओ। आईपीएल को मत भूलना, क्योंकि लगातार आईपीएल आप लोगों को जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि लगातार खबरें आप लोगों को यहां पर मिलती रहेंगी। देखिए आईपीएल में बड़ी अच्छी खुशखबरी है कई टीमों के लिए, लेकिन भैया काव्या मारन के लिए परेशानी वाली बात है, बहुत बुरी खबर है। काव्या मारन सुनेंगी तो रोएंगी और माथा पकड़ेंगी कि भैया क्या किया जाए यार, इस खिलाड़ी को क्या किया जाए, थप्पड़ मारे जाए या भैया प्यार किया जाए, क्योंकि खबर बड़ी दिलचस्प है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई टीमों के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, बहुत मतलब बहुत बेहतर खबर है। जैसे पंजाब के लिए, भैया पंजाब वालों खुशी मना लो, लिविंगस्टन घातक फॉर्म में है मेरे भाई साहब, बहुत घातक फॉर्म में है लियाम लिविंगस्टन, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब, निचले क्रम पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये प्रीति जिंटा के लिए बहुत अच्छी बात है। वो तो पार्टियां करने लगी होंगी प्रीति जिंटा तो, क्योंकि उनके दो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक तो लियाम लिविंगस्टन, लिविंगस्टन आते हैं और लिफ्ट में उठा देते हैं गेंद को, आते ही मारना शुरू कर देते हैं भाई साहब, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रखी है। उसके बाद में सैम करन गेंदबाजी और बल्लेबाजी, भाई साहब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट है बड़ा धमाका है, बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है सैम करन। तो जाहिर तौर पर ये पंजाब के लिए बहुत अच्छे संकेत है और बहुत अच्छी न्यूज भी है दोनों पंजाब के लिए, इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर अगर मैं बताऊं। उसके बाद में बात चलिए हैदराबाद की करते हैं, फिर गुजरात और केकेआर इनकी भी बताऊंगा। देखिए हैदराबाद के लिए बात यह है, बड़ी टेंशन वाली बात है कि उन्होंने हैरी ब्रुक्स को इतना मोटा पैसा दिया, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, नया लड़का है, 2023 में कई करोड़ रुपए ऐश कर ले गया काव्या मारन से। अब भैया क्या किया जाए, काव्या मारन बड़ी परेशान है, भोली भाली लड़की है, पैसा दे दिया उसकी बल्लेबाजी को देखकर, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है, कभी 2 पर कभी 4 पर 5 पर 10 पर आउट होकर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बार भैया बड़ा तगड़ा एक्शन होने वाला है हैरी ब्रुक्स पर, पैसे छीन लिए जाएंगे, पुराने वाले पैसे भी छीन लिए जाएंगे, नहीं ऐसा होगा नहीं। तो मेरे भाई साहब हैरी ब्रुक्स को लेकर टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है हैरी ब्रुक्स को लेकर। उसके बाद में चेन्नई के लिए बड़ी अच्छी खबर है, एक और एक बुरी भी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सेंटनर थोड़ा सा विकेट चटकाने शुरू कर दिया है, हालांकि एक ही विकेट मिला लेकिन ज्यादा नहीं मिला, लेकिन सेंटनर को लेकर थोड़ा सा सोचेगी जरूर चेन्नई। वो क्यों सोचेगी, क्योंकि मोइन अली बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए मोइन अली और सेंटनर दोनों में से एक ही खेलता है, दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, तो इसीलिए इस बार चेन्नई सोचेगी जरूर कि भाई साहब क्या सेंटनर को रखा जाए, क्योंकि सेंटनर वैसे भी ज्यादा मैच खेल नहीं रहे हैं, 2023 में भी ज्यादा मैच खेले नहीं, तो ये चेन्नई एक बार सोचेगी जरूर सेंटनर के बारे में, क्योंकि प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है यार। इस पिछले मैच में तो अच्छे चल गए थे बेनस्टोक, इस मैच में वो भी जल्दी आउट हो गए, तो ये भी थोड़ा सा टेंशन वाली बात है चेन्नई के लिए कि भैया अनप्रिडिक्टेबल है बेनस्टोक, कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते, वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है बेनस्टोक में, तो चेन्नई इस बारे में जरूर सोचेगी, क्योंकि बहुत मोटा पैसा दिया जा रहा है बेनस्टोक को, छोटी मोटी रकम नहीं है बेनस्टोक के लिए, तो ये चीजें सोची जाएंगी। उसके बाद में मैं बता देता हूं आपको खबर कैरिबियन प्रीमियर लीग से आई है, बड़ी अच्छी खबर है, हालांकि राजस्थान रॉयल के लिए भी है, जोस बटलर ने अच्छी पारी एक छोटी सी खेली है, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, जो रुतबा जोस बटलर का है उस रुतबे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी पारी उन्होंने इस मैच में खेली। अब बात कैरिबियन प्रीमियर लीग की, देखिए कैरिबियन प्रीमियर लीग में मेरे भाई साहब जो मुकाबला हुआ उसमें अलजजरी जोसफ ने कमाल के प्रदर्शन किया है और 2 विकेट चटकाए हैं, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा था 2023 में कि भाई साहब जोसफ को बाहर निकाल दिया जाएगा, शायद गुजरात इस काम को करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले तो भारत के खिलाफ बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, वहां पर हार्दिक पांड्या ने उनको देखा गेंदबाजी करते हुए, और अब कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहां पर भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जोसफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करें, कमाल की गेंदबाजी करके दिखा रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना हो सकता है कि गुजरात को भारी पड़ जाए और यह फैसला गलत साबित हो जाए, तो एक बार गुजरात को सोचना जरूर पड़ेगा मेरे भैया। उसके बाद में केकेआर के लिए भी खबर यह है कि सुनील नरेन विकेट चटका रहे हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं, और यह केकेआर के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। अगर सुनील नरेन का फॉर्म यही रहेगा विकेट चटकाने में, खासतौर पर गेंदबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजी में तो वो उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, अगर गेंदबाजी में इस तरीके का प्रदर्शन सुनील नरेन का रहेगा तो जाहिर तौर पर ये केकेआर के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है केकेआर के लिए अगर इस तरीके का प्रदर्शन रहेगा। लेकिन भैया टेंशन भी है केकेआर के लिए,
टेंशन ये है कि भैया उनके कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया ही नहीं सोच रही है कुछ, उनके कप्तान की मतलब अपमान किया जा रहा है, उनके कप्तान को बाहर निकाल दिया जा रहा है। और श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी क्या आपको लगता है कि वास्तव में बाहर बैठने लायक था और केएल राहुल की को जगह मौका मिलने लायक था? ये सवाल कई खड़े हो रहे हैं जाहिर तौर पर टीम इंडिया के सामने। लेकिन सबसे बड़ा जो बात थी वो यही थी कि आईपीएल के कई टीमों के लिए बड़ी अच्छी खबर है और वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि इस बार हैरी ब्रुक्स को बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि हैरी ब्रुक्स उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और क्या बेन स्टोक पर चेन्नई को फैसला लेना चाहिए क्योंकि बेन स्टोक कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं? तो कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे आईपीएल के भी जैसे जैसे अपडेट आएगा। थैंक यू वेरी मच।